ये घूम बैठे पन्ना से आपके सामने, ये सबसे पहले आपने इन दोनों साइड के पर्दे खोल लें ताकि आप रॉड डाल सकें। जैसे ये खुल रहा है अब आपने इसके अंदर रॉड डालनी है। ये आप रॉड डालेंगे, इसमें चार रॉडों के छेद हैं, एक एक करके आपने चार रॉडें डालनी है इसके अंदर। ये रॉड सॉलिड स्ट्रेट है, 14 इंच लॉन्ग। ये आपकी चार रॉडें डल चुकी हैं। अब इसमें आपने क्लैम कसना है, खाली देख लीजिए किस द्वारा ये क्लैम कसे जाएंगे और क्या कनेक्शन है इसके। ये रॉड के एक साइड के कनेक्शन हो गए हैं जिसे आप देख सकते हैं। अब दूसरी तरफ के कनेक्शन करने हैं आपको, इसको बंद करके। अब आपने इसको घुमा के दूसरी तरफ के कनेक्शन करने हैं। ये आपकी रॉड जो आपने वहां से डाली थी वो इधर आ गई है। ये आपके रॉड के कनेक्शन इस तरफ के भी हो गए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह करने हैं। इसके बाद इस पर्दे को भी बंद कर दीजिए। ये जो जिससे आपकी जो जिसमें ये तार बाहर आ रही है रॉड के बीच में से, ये सेंसर है जो कि आपको अंदर का टेम्परेचर बताएगा कंट्रोल पैनल के थ्रू। पीछे भी इसका कनेक्शन है। इस सेंसर का तार जो है यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे पीछे आके खत्म होता है। अगर आपको कल को चेंज करना है तो यहाँ से खोलना है और इसकी जगह नया सेंसर लगा देना है। सबसे पहले आप इसके अंदर क्रूसिबल स्टैंड डालेंगे जिसे गुटका कहते हैं।
आपने इसके अंदर गुठली रखनी है जो कि ऐसे रखी जाएगी और आप इसको बंद कर दें। अब आपको सबसे पहले फर्नेस का कनेक्शन ट्रांसफार्मर में करना है। ये आप 3-pin प्लग जो है ये सॉकेट में लगाएंगे और ये थर्मोकपल का 2-pin प्लग उस सॉकेट में लगेगा उसके साथ वाले में। इसको पूरा दबा दीजिएगा ताकि पूरा टाइट बैठना चाहिए। अब ये कंट्रोल पैनल का जो आप मेन्स आपकी प्लग है ये आपने लाइन में देना है। लाइन में आपके कम से कम 15 एम्पेयर आने चाहिए, पावर प्लग होना चाहिए, उसके बाद आपको ये बटन ऑन करना है लाइन का। आपने इस मशीन को ऑफ ऑन बटन दोबारा ऑन करना है। ऑन, ये मशीन आपकी ऑन हो गई है। अब आपने पुश बटन दबा के देखना है कि टेम्परेचर कितने पे सेट है। अगर आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना है तो आप क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे और अगर डिक्रीज करना है तो एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे। आपको इसको हमेशा 1100 पे रखना है। जैसे कि आप आपने मशीन को ऑफ करके कुठाली में सोना रख के इसके अंदर डालना है। सोना डालने के बाद आपने ढक्कन को बंद कर देना है। फिर ये आपने सोना डालने के बाद कुठाली के अंदर मशीन का ढक्कन बंद कर देना है आपने। उसके बाद इस ऑफ बटन को दोबारा ऑन कर दीजिए जो आपने पहले से ही 1100 पे सेट कर रखा है। ऑन करने के बाद टेम्परेचर आपका धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और अगर किसी वजह से ये टेम्परेचर उल्टा जा रहा है या माइनस में जा रहा है तो आपने यहाँ आकर ये जो सेंसर की तार है पॉजिटिव नेगेटिव इसको उल्टा करके नेगेटिव पॉजिटिव डाल देना है तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज करना दोबारा शुरू हो जाएगा, माइनस में ना जाके पॉजिटिव में जाना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए आपका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू हो गया है। देखिए आप, अब रॉड गर्म होनी चालू हो गई है आपकी और मशीन फर्नेस भी आपकी गर्म होनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके जैसे टेम्परेचर 1100 आएगा सोना गलना शुरू हो जाएगा। सर आप ये देखिए अब 1100 आ गया है। रिले ने ऑटोमेटिकली हीटर को ऑफ कर दिया है। जैसे ही 1100 से कम आएगा रिले हीटर को दोबारा ऑन कर देगी और 1100 से ऊपर जाते ही रिले ऑफ हो जाएगी। देखिए आपका सोना गल चुका हुआ है इस समय तक। ये सोना आपका गल चुका है। अब आपको इसको कुठाली को निकालना है और अपने रेजे में डालना है। माइक बेटा बच्चा पहले काम कर।